Hello students, how are you all? I hope you all are good. Today I will teach you English first. We will revise chapter 2, Bruno the dog. Firstly, I will tell you the story in short. एक बार एक लड़की थी जिसका नाम था जेना. क्या नाम था? जेना. She had a brown dog. उसके पास एक ब्राउन डॉग था. His name was Bruno. और उस डॉग का नाम क्या था? Bruno. Jenna liked to play with the ball. Jenna को बॉल के साथ खेलना बहुत पसंद था. Jenna throws the ball and Bruno brings it back. Jenna बॉल फेंकती थी और ब्रूनो उसे वापस ले आता था. वन डे ब्रूनो गॉट लॉस्ट. एक दिन ब्रूनो खो गया. जेना रोड पे इधर उधर हर जगह ब्रूनो को ढूंढने लगी. शी शाउटेड कम होम ब्रूनो. वो चिल्लाई ब्रूनो घर आ जाओ. और उसे ब्रूनो दिख गया. ब्रूनो न्यू पार्क में खो गया था. और जब वो वापस आया तो वो जेना को देखकर बहुत खुश हुआ. नाउ लेट अस रिवाइज ट्रू एंड फॉल्स. फर्स्ट, जेना हैज अ ब्लैक डॉग. जेना के पास ब्लैक डॉग है. दिस इज फॉल्स. जेना के पास ब्राउन डॉग है. सेकेंड, ब्रूनो लाइक्स टू प्ले विद द बॉल. ब्रूनो को बॉल से खेलना पसंद है. दिस इज ट्रू. थर्ड, जेना फाउंड हर डॉग ऑन द स्ट्रीट. जेना को अपना डॉग स्ट्रीट यानी रोड पर मिला. दिस इज ट्रू. Fill in the blanks. First, Bruno was lost in the dash. Bruno dash में खो गया था. कहाँ खो गया था? Yes, New Park. Second, come dash, Jenna shouted. Jenna चिल्लाई. क्या चिल्लाई? कम होम ब्रूनो. थर्ड, ब्रूनो वॉज डैश टू सी हर. ब्रूनो उसे देखकर डैश हो गया. क्या हो गया? हैप्पी. Now let us revise word meanings. First, street. Street means road. R-O-A-D. Road. Road means sadak. Second, happy. Happy means glad. G-L-A-D. Glad. Glad means खुश. Answer in one word. Question 1. Who got lost? कौन खो गया था? Answer. Bruno. कौन खो गया था? Bruno. B-R-U-N-O. Bruno. B-R-U-N-O. Bruno. Question 2. What was the color of Bruno? Bruno कौन से color का था? Answer. Brown. B-R-O-W-N. Brown. B-R-O-W-N.
ब्राउन। कौन से कलर का था ब्रूनो? ब्राउन कलर का। आई होप यू हैव अंडरस्टूड दिस चैप्टर वेरी वेल एंड यू विल डू योर टेस्ट विथ फुल ऑनेस्टी एंड इन अ गुड हैंडराइटिंग। दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू।